श्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच उन्होंने जिला अधिकारी आशीष चौहान को जनपद में आपदा से प्रभावित इलाकों का चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावितों के लिए जरूरी सामान जैसे कपड़े, राशन, पेयजल और विद्युत की व्यवस्था आपदा मद से करने की बात कही। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मुख्यमंत्री से प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री अटल आवास के तहत लोगों को उचित स्थान पर आवास योजना की मांग की है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मानलन नदी पर ह्यूम पाइप की मदद से बनी वैकल्पिक पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भारी बारिश के कारण आ रही बाढ़ की समस्या से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता डीपी सिंह से मालन नदी के क्षतिग्रस्त पुल और वैकल्पिक पुल की जानकारी ली। उन्होंने कोटद्वार वासियों को हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतीवाल की रिपोर्ट। घर जो गिरे हैं उनके बारे में बात हुई, तो आज पूरी बात उन्होंने मेरे से गाड़ी में बैठ के पूरा ही रिव्यू ले लिया था और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया है कि किसी तरह की भी कमी कोटद्वार को नहीं दी जाएगी, नहीं होगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कार्य हो। आप लोगों ने जैसे देखा, उन्होंने मालन पुल पर भी बोला कि त्वरित कार्रवाई हो और इस पुल को जल्द से जल्द खोला जाए और अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग भी खुल जा सकता है पर्टिकुलरली हमारे सुटकुल के इलाकों के लिए, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए, तो उस पर भी वो काम।